हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 17 अगस्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं या तथ्यों के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1836 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटिश की संसद में जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित पंजीकरण स्वीकार किए गए थे। सन 1858 ईस्वी में आज ही के दिन हवाई द्वीप में पहला बैंक खोला गया था। सन 1859 ईस्वी में आज ही के दिन एक गर्म हवा के गुब्बारे के जरिए पहली बार चिट्ठियां भेजी गई थी। सन 1908 ईस्वी में आज ही के दिन फैंटम आमा गोरी में एमिली कोहल पहली पूरी तरह से एनिमेटेड फिल्म बनाया था। सन 1909 ईस्वी में आज ही के दिन मदन लाल ढींगरा को बायली और लाल काका की हत्या के मामले में पेंटोन पिली कैदखाने में फांसी दी गई। सन 1915 ईस्वी में आज ही के दिन चक्रवाती तूफान से गैल्वेस्टोन और टेक्सास में 275 लोगों की मौत हो गई थी। सन 1917 ईस्वी में आज ही के दिन इटली ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। सन 1941 ईस्वी में आज के दिन पूर्वीय जर्मनी सरकार ने बर्लिन की दीवार का काम पूरा किया था। सन 1947 ईस्वी में आज ही के दिन भारत की आजादी के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी स्वदेश रवाना हो गई थी। सन 1978 ईस्वी में आज ही के दिन तीन अमेरिकियों ने हॉट एयर बैलून से अटलांटिक महासागर को पार किया। सन 1982 ईस्वी में आज के दिन जर्मनी में पहली सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क लोगों के लिए उपलब्ध की गई। सन 1987 ईस्वी में आज के दिन जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर के करीबी माने जाने वाले रुडोल्फ हेस जेल में मृत पाए गए थे। सन 1988 ईस्वी में आज के दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक और अमेरिका के राजदूत अर्नाल्ड राफेल की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। सन 1998 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने वाइस हाउस की पूर्व कर्मचारी मोनिका लेविंस्की के साथ अपने अनुचित संबंधों की बात स्वीकार की और यह प्रकरण दुनिया भर में चर्चित रहा था। सन 1999 ईस्वी में आज ही के दिन तुर्की के औद्योगिक शहर इज्मित में सुबह सवेरे आया भीषण भूकंप, जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मौत हो गई थी और इसमें संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था। सन 2002 ईस्वी में आज के दिन रूस ने दलाई लामा को अपने देश में दौरे के लिए वीजा देने के से इनकार कर दिया था। सन 2004 ईस्वी में आज के दिन उदारवादी राजनीतिक लियोनल फर्नांडिस ने डोमिनिक कटराजी के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। सन 2005 ईस्वी में आज के दिन पूरा बांग्लादेश बम धमाकों से दहला था। करीब 63 जिलों में लगभग 400 विस्फोट हुए थे। सन 2008 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका के महान तैराक माइकल फेल्प्स ने पेंचिंग ओलंपिक खेलों में तैराकी में 8 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाया था। सन 2009 ईस्वी में आज ही के दिन आंतरिक सुरक्षा के मसले पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों का एक दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो ये थी कुछ आज से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।